लोग तो सब साथ हैं। आप बिहार में तो हम लोग साथ हैं, बिहार में तो कोई दिक्कत नहीं, बिहार में तो हम लोग मिलिए करके काम कर रहे, आगे भी चलेंगे। हम चाहते हैं कि इसी तरह से देश में अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करके चलिएगा, तो आप जान लीजिए नतीजा क्या होगा और देश जो सही दिशा में चलना चाहिए चलेगा और समाज में एकता रहेगी, कभी इधर उधर नहीं होगा। और जिस तरह से बिना मतलब का यहाँ पर कोशिश हो रही है, हर चीज में होता है, जरा सा भी कोई कह देता है कि साहब इस समय बड़ा गड़बड़ हुआ तो तुरंत उस पर शुरू हो जाता है कार्रवाई। ये क्या है मामला, आज तक कभी होता है? तो इसीलिए याद रखिए, मिलजुल करके सोच लीजिएगा। और भाई माले के लोग हैं तो माले के लोग का तो हम इज्जत करते हैं, स्वागत करते हैं, भाई हम तो आप लोगों के पक्ष में। अब आप लोग भी सोचिएगा, जैसा मन से वैसा करिएगा, हमारी तो इच्छा है सब एकजुट करके लड़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा। और एक बात हम बार बार कह रहे हैं, हमको व्यक्तिगत रूप से कोई ख्वाहिश नहीं है, हमारी एक ही ख्वाहिश है कि देश को एकजुट कर देंगे और गलत करने वालों से देश की मुक्ति हो, हम और कुछ नहीं चाहते। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह अच्छी तरह जान लीजिए, हमको नहीं कुछ चाहिए। आप बिना मतलब का नारा लगाने लगता है सर, हम मना करते हैं वो अलग बात है, कोई करेगा, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं। हमारी तो इच्छा है सब एकजुट करके होंगे, आप मिल करके, हमको हमारी इच्छा नहीं है, और किसको भी लगाना हो लगाइएगा, नेतृत्व करेगा। और हम लोग तो जब तक जीवित हैं आप सब लोगों का पूरा सहयोग करेंगे ताकि काम करने में आपको सहूलियत हो, सुंदर हो। तो इसलिए जब आप आ गए हैं तो हम तो कहेंगे, अब आपके साथ जो आए हुए हैं वो पूरा बिहार को ठीक से जानते हैं, उनको आप भी आ गए हैं, आप भी कह दीजिएगा यही कह करके, और आप हम लोगों को बुलाए। मैं आपका फिर माले का मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूँ, और हम सब दिन आपका स्वागत और इज्जत करते रहेंगे। अब पहले भी साथ चले थे, भूलिएगा मत, क्योंकि ये उन सब चीजों को, पुराने चीजों को भी याद रखिएगा। इन्हीं सबों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आपका ये राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम चल रहा है कुछ दिनों से, ये बहुत अच्छी बात है, और आपने इस काम के लिए बिहार को चुना और पटना को चुना, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। आप भी आगे बढ़िएगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।